हे गाइस, आपका स्वागत है दुबे जी की गाड़ी में और मेरा नाम है अनुराग दुबे। आज मैं लेके आया हूँ टोयोटा फॉर्च्यूनर का फेसलिफ्ट। टोयोटा फॉर्च्यूनर हमेशा से अपने लाइफ साइकिल में हर 5 से 6 ईयर के डिफरेंस में एक फेसलिफ्ट ऑफर करता है। फेसलिफ्ट का मतलब है कि गाड़ी के डायमेंशंस नहीं चेंज होते, चेंज होता है तो उसके लुक्स चेंज होते, उसके फ्रंट लुक चेंज होंगे, उसके हेडलैम्प, टेल लैम्प, न्यू ग्रिल दे दी जाएगी, कुछ एडिशनल फीचर्स आ जाते हैं। मतलब आपको एक पूरा डायमेंशन चेंज नहीं मिलता है, लेकिन आपको काफ़ी सारे चेंजेस मिलते हैं जो आपकी गाड़ी के लुक्स को एनहेंस करते हैं। इस बार जो फेसलिफ्ट आने वाला है उसमें टोयोटा फॉर्च्यूनर दो अवतार में मिलेगी। एक तो स्टैंडर्ड वेरिएंट रहेगा और दूसरा होगा लेजेंडर वेरिएंट, जो लेजेंड लोगों के लिए है। लेजेंडर वेरिएंट को आज हम कंसिडर करने वाले हैं इस वीडियो में। लेजेंडर टोयोटा का हायर वेरिएंट रहता है जिसमें आपको काफ़ी सारे नए फीचर्स और काफ़ी सारी नई चीज़ें मिलती हैं और काफ़ी एक नया लुक मिलता है। अगर हम इसके लुक्स की बात करते हैं तो सबसे पहला चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको एक बिल्कुल नया हेडलैम्प डिज़ाइन मिलता है। इसे ये बाई LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स बोलते हैं, जो काफ़ी शानदार लुक्स में भी आता है। वहीं अगर आप फ्रंट ग्रिल को देखें वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। जैसे पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रोम मिला करता था, उसकी जगह पे आपको यहाँ पे ब्लैक का ज़्यादा यूसेज मिलता है। साथ में आपको फ्रंट में प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिलते हैं, तो नीचे आपको स्किड प्लेट मिलता है। अगर हम साइड प्रोफाइल की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको एक बिल्कुल नया अलॉय व्हील का डिज़ाइन मिलता है। साथ ही में आप नोटिस करेंगे कि आपको यहाँ पे एक ड्यूल टोन इफेक्ट मिलता है, जैसे नीचे में वाइट है ऊपर में ब्लैक है। इसी के साथ अगर हम रियर प्रोफाइल में आते हैं तो रियर प्रोफाइल में आपको नया टेल लैम्प का डिज़ाइन मिलता है, जो बहुत ज़्यादा तो डिफरेंट नहीं है पहले से, लेकिन कुछ हद तक चेंज है और लुक्स को एनहेंस कर रहा है। पुरानी जो फॉर्च्यूनर है, जो अभी फॉर्च्यूनर मार्केट में अवेलेबल है, उसमें पीछे आपको क्रोम स्ट्रिप मिलता है जिसे लेजेंडर वेरिएंट में ब्लैकआउट किया गया है। मतलब एक्सटीरियर से आपको ये तो पता चल जाएगा कि एक लेजेंडर है या एक नॉर्मल वेरिएंट है, क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। अगर हम लुक्स को ओवरऑल देखें तो एक कुछ हद तक लगता है कि टोयोटा के बड़े प्रोडक्ट्स जैसे कि लैंड क्रूजर या लेक्सस, उनसे लिया हुआ आइडिया है। अब हम आगे चलते हैं कि इसमें आखिर फीचर्स कौन कौन से मिलते हैं। तो फीचर्स में सबसे बड़ा मिस जो रहा है वह है कि अभी भी आपको फॉर्च्यूनर में सनरूफ नहीं मिलता है, और शायद लगता है कभी नहीं मिलने वाला। अगर हम फीचर जो मिलते हैं उसकी बात करें तो यहाँ पे आपको एक 9 इंच का टच स्क्रीन मिलता है और एप्पल कारप्ले को फाइनली इंक्लूड कर दिया गया है। अगर आप स्टैंडर्ड वेरिएंट ले तो आपको 8 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, लेकिन लेजेंडर में आपको 9 इंच का मिलता है। साथ ही में अब आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाता है और रडार क्रूज कंट्रोल मिलता है, जो एक काफ़ी अच्छा फीचर है। लेकिन इस फीचर के लिए हमें ये डाउट है कि इंडिया में प्रोवाइड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि थाई मार्केट में तो प्रोवाइड किया गया पर अभी इंडिया के लिए क्लियर नहीं हुआ है। साथ ही में आपको किक एक्टिवेटेड बूट ओपनिंग मिलता है, जैसे कि काफ़ी सारे स्कॉडा या वोक्सवैगन की गाड़ियों में मिलता है कि आप एक बार अपना लेग स्वाइप करते अगर रियर डोर के पीछे तो आपको वहाँ पे बूट ओपनिंग होता है। साथ ही में आपको फॉर्च्यूनर में टी कनेक्ट टेक्नोलॉजी मिलता है। ये टोयोटा का कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है जिससे आप अपनी कार के काफ़ी सारे फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे स्टार्ट करना, ऑफ करना, AC ऑन करना, या फिर अपनी गाड़ी को ट्रेस कर सकते कि वो कहाँ पर है। अगर हम इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे आपको मेजर कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। अगर आप फ्रंट लुक में देखें, डैशबोर्ड वैसा ही दिखेगा, सीट्स का डिज़ाइन सेम है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में माइनर चेंजेस हैं और टच स्क्रीन का साइज बढ़ा है। अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें कि क्या एक्स्ट्रा मिल सकता है, तो यहाँ पे आपको 7 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलेंगे और साथ में इलेक्ट्रिक सीट हाइट एडजस्टमेंट मिल जाएगा 8-way ड्राइवर के लिए। ये तो हुआ क्या क्या चेंजेज है, अब बात करते हैं कि इंजन कौन सा है। इंजन की बात करें तो आपको यहाँ पे एक 2.8 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो 204 हॉर्स पावर बनाएगा, जो इसे सेगमेंट में अगर हम ग्लॉस्टर के टर्बो इंजन से छोड़ दें, ट्विन टर्बो इंजन को छोड़ दें, तो बाकी सभी से पावरफुल बनाता है। अगर आप फॉर्च्यूनर करेंट जनरेशन और ग्लॉस्टर के बीच कन्फ्यूज है तो ऊपर आ रहे वीडियो लिंक पर ज़रूर क्लिक करें। ये तो हुआ सभी चीज़ें कि क्या क्या नहीं आने वाली, लेकिन इसके लिए कितने पैसे देने हैं ये एक अलग इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि टोयोटा हमेशा से प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रखते आया है। तो इस बार भी कुछ ज़्यादा चेंज हमें एक्सपेक्टेड नहीं है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फॉर्च्यूनर का जो लेजेंडर वेरिएंट है वो 40 से 45 लाख ऑन रोड तक आपको मिलेगा।
अब यहाँ तक आ ही गए तो अब लॉन्च डेट की बात करते हैं कि आखिर ये प्रोडक्ट आने कब वाला है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इसके लिए वेटिंग चल रहा है। तो प्रोडक्ट का लॉन्च 6 जनवरी को एक्सपेक्टेड है। ये तो था टोयोटा फॉर्च्यूनर के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।